योर न्यू काउंटडाउन बुक क्लास 5 ऑफ 3rd एडिशन. आई एम योर मैथ टीचर. डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन क्रिएटेड ड्यू टू कोविड विच ऑफ ऑल अस आर फेसिंग. इट वॉज अवर एंड डिजाइन टू फॉलो द नॉर्मल procedures of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड की वजह से आप लोगों के स्कूल्स ऑफ हैं, बट आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है. ठीक है, क्लास 5 आप लोगों को मैं आज मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ. हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. नंबर्स आप सबको ही पता है नंबर्स क्या होते हैं. जो हमारी काउंटिंग होती है वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं. आप पहले भी कर चुके हैं क्लास 4 में, जैसे कि हम रीड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे नंबर्स होते हैं. और ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस जो हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज ए. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. आज हम फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है. हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल पेज बनाएंगे फर्स्ट टर्म का, और चैप्टर नेम मेंशन करेंगे नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब आप लोग क्लास 5 में आ गए हैं, पेन से आप वर्क करेंगे. तो जो आपका क्वेश्चन है, आपकी हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे. बाकी जो आप ब्लैंक्स लिख रहे हैं, ये सारी ब्लैंक्स आपकी ब्लू पेन से लिखी जाएंगी. सिर्फ वन वर्ड आंसर जो होगा ब्लैंक का, ये ब्लैक पेन से फिल होगा. ठीक है, पूरी ब्लैंक आपको इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ ब्लैंक डिजिट नंबर, ये पूरी ब्लू पेन से लिखी जाएगी. सिर्फ आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो ब्लैक पेन से लिखा जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारी फर्स्ट ब्लैंक है इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन की वैल्यू में आपके पास कितने डिजिट्स होते हैं. ठीक है, कितने डिजिट्स या कितने नंबर्स होते हैं? तो इंटरनेशनल और पाकिस्तानी वैल्यू का फ़र्क सबको ही पता है कि पाकिस्तानी वैल्यू में हम 2-2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, और इंटरनेशनल वैल्यू में हम 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं. जैसे सपोज़ करें, मैं एक वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे 4868 73. अगर मैं इस वैल्यू को कहूँ कि ये इंटरनेशनल वैल्यू है, तो इंटरनेशनल वैल्यू में मैं 3 डिजिट काउंट करके मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी. ठीक है, अपने राइट साइड से मैंने 3 डिजिट काउंट किए, यूनिट 10 100 100 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 100 के बाद 1000 10000 एंड 100000. ठीक है, 100000 की वैल्यू आ गई, तो ये इंटरनेशनल वैल्यू है. 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा गए, 100000 की वैल्यू है. अगर मैं पाकिस्तानी वैल्यू में इसको लिखूंगी, तो मैं 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगी. ये 100 की वैल्यू तो ऐसी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इससे आगे 8 और 6 को कंबाइन करके फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी, तो ये पाकिस्तान की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, आपको 1 मिलियन की वैल्यू बतानी है. अभी मैंने इसे क्या रीड किया, यूनिट 10 100 1000 10000 एंड 100000. 100000 से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट और ऐड कर दूँ, फिर मैं यहाँ 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाऊंगी, तो ये मेरी कौन सी मिलियन की वैल्यू होगी. मिलियन की वैल्यू में आपको
वन मिलियन की वैल्यू बतानी थी। मैंने भी यहाँ मिलियन की वैल्यू लिखी है, बट मैंने सेवन मिलियन 486,873। तो डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे? 3, 3, 6 और 1, 7। 7 डिजिट। अगर मैं 1 मिलियन यहाँ पे शो करूँगी तो मैं यहाँ 1 लिखूँगी और बाकी मेरे पास सब 0, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 मिलियन की वैल्यू है, 1 मिलियन की वैल्यू में मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट। तो मैं यहाँ ब्लैंक्स में क्या लिखूँगी? 7। सेकेंड आपके क्वेश्चन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज, रिंग बना हुआ है आपके पास एक डिजिट पे 5 पे, ठीक है। अब इस 5 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। 5 की प्लेस वैल्यू 1000 की है, मिलियन की है, 100,000 की है, क्या? तो यहाँ ये आपके इंटरनेशनल की क्वेश्चन हैं, तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट काउंट करके मैंने कॉमा लगाया। अगेन मैं आगे 3 डिजिट काउंट करूँगी और फिर यहाँ कॉमा लगाऊंगी, तब मेरी वैल्यू कौन सी हो गई है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 million, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको कंप्लीट करनी है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू ब्लैंक है, थर्ड वैल्यू आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है, फोर्थ वैल्यू लिखिए, ठीक है। ये सब आप ब्लू पेन से लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो ब्लैंक का आंसर होगा वो ब्लैक से लिखा जाएगा। सीक्वेंस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 35,30,186। सीक्वेंस का मतलब कि आपके पास स्टार्ट की वैल्यू वही होगी, सिर्फ आपको लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उन्हें आपको चेक करना है और वो ही सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। 186 से आपकी फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वाली वैल्यू में लास्ट के 3 डिजिट हैं 286, थर्ड पे ब्लैंक है और फोर्थ में 486। तो मैं यहाँ पे थर्ड वाली ब्लैंक्स में क्या लिखूँगी? स्टार्ट की वैल्यू मेरी वही रहेगी 35,000,000। यहाँ पे 1 था, 2 था, तो अब मेरे पास 3 आ जाएगा। 86 ही रहेगा, ठीक है। 35,30,386। नेक्स्ट द नंबर 50,000 मोर देन, 50,000 मोर देन मतलब, मोर देन मतलब ज्यादा। जब आप 2,61,835,000, 35,000, 835,000 and 500 में 50,000 की वैल्यू को आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, कैसे? देखिए कॉमा कॉमा 50,000 है, तो मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगी, मैच करूँगी इस वैल्यू को। अब मैं यहाँ पे प्लस करूँगी, 0 + 0, 0, 0 + 0, again 0, 5 + 0, 5, again 5 + 0, 5, 5 + 0, 5, 8, 8 के नीचे कुछ नहीं है, साइन लगी हुई है, तो हम 8 एज इट इज लिखेंगे, फिर कॉमा आ जाएगा 1, 6, 2, ठीक है। 50,000 को हमने इस वैल्यू में प्लस किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 261,885,500, ठीक है, ये आपका आंसर आया। लास्ट ब्लैंक है आपकी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है इन द नंबर, इस नंबर में, ठीक है। 981 मैंने कॉमा लगाया 3 डिजिट के बाद, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद कॉमा, और लास्ट में भी आपके पास 3 डिजिट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? हम अपने लास्ट डिजिट से ही, अपने राइट साइड से आप इसको रीड करेंगे, तो आपको 9 की प्लेस वैल्यू मालूम हो जाएगी। लास्ट वाला नंबर आपका है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आपके पास आएगा मिलियन, 10 million and 100 million। तो 9 जो है आपका 100 million का है।
ठीक है। इस नंबर में आपकी 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 900 मिलियन। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ब्लू पेन से कीजिएगा, सिर्फ जो आपका वन वर्ड आंसर है वो ही ब्लैक से लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम ट्रू फॉल्स न्यू पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्रू और फॉल्स। एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अभी आपको वैल्यू दी हुई है ठीक है, जिसे आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू राइट डाउन करनी है। जब आप इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के थ्रू लिखेंगे तो इस रिटर्न एज, अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है आपको ये चेक करना है क्या ये इंटरनेशनल की वैल्यू है। नंबर्स आपके बिल्कुल सेम है, यही वाले नंबर्स को इंटरनेशनल वैल्यू में चेंज किया गया है। इंटरनेशनल वैल्यू में चेंज करने का क्या मतलब है कि सिर्फ आपको कॉमा लगाना है। आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी हुई है, सिर्फ आप कॉमा लगाएंगे, कॉमे के थ्रू ही आपकी कोई भी वैल्यू इंटरनेशनल भी हो सकती है और वही वैल्यू आपकी पाकिस्तानी भी हो सकती है ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 3 डिजिट के बाद कॉमा है, अगेन 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद कॉमा है। तो जहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है वो कौन सी वैल्यू होती है? इंटरनेशनल वैल्यू होती है। तो ये आपका आंसर जो है ये ट्रू है ठीक है। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? इंटरनेशनल वैल्यू लिखी भी तो है ये आपकी इंटरनेशनल वैल्यू, यहाँ पे तो कोई कॉमा ही नहीं था, तो हम इसे कैसे रीड करते? हम नहीं रीड कर सकते जब तक कि हम कॉमा नहीं लगाते। यहाँ अब आपको वैल्यू में कॉमा लगा के दिया गया है, तो अब बताइए क्या ये इंटरनेशनल वैल्यू को हम कैसे रीड करेंगे? यूनिट 10 100, तो ये आपकी 100 की वैल्यू हो गई। 1000 7000 का है, 10,000 and 100,000, फिर मिलियन 10 million and 100 million। 100 million तक तो मैंने अभी आपको करवाया था, और इसके आगे हम जाएंगे तो हमारे पास बिलियन की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। तो ये 6 आपका बिलियन का है, 6,189,457,086 ठीक है। समझ में आया सबको मैंने कैसे रीड की वैल्यू को? कोई भी वैल्यू को रीड करने का इसी तरीका ये है कि कॉमा लगाने के बाद आप अपने राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें, जो ने 10 100 1000, तो आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर 200 लेस देन, जो 200 का नंबर है ये आपको लेस करना है किसमें से? 42,689,210। इस वैल्यू में से जब आप 200 को लेस करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 42,689,200। करेक्ट आंसर। आप देखिए कि लास्ट वाली जो आपको वैल्यू दी गई है इसके लास्ट डिजिट 210 में से जब मैं 200 को लेस करूंगी तो मेरे पास आंसर में यहाँ पे सिर्फ 10 आएगा ठीक है। सिर्फ 210 में से 200 माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 200 लिखा हुआ, तो इट मीन्स कि आपका आंसर जो है रॉन्ग है। क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। क्वेश्चन सी, द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। आपके पास 10 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 मिलियन की वैल्यू अगर हम रीड करें तो हमारे पास 10 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? आपके पास 9 डिजिट्स होते हैं? नो, 10 मिलियन की वैल्यू अगर मैं लिखूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको यूनिट्स बता रही हूँ ठीक है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10 मिलियन।
100,000 एंड मिलियन। एक आपका फर्स्ट डिजिट आपका यूनिट का हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। कितने डिजिट्स हो गए आपके? सेवन डिजिट हो गए। और आपको 10 मिलियन की वैल्यू बतानी है, मिलियन तक आपके पास जो है 7 डिजिट हो गए, फिर आपके पास 10 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए आपकी? 8 डिजिट। अगर मैं यहाँ पे हर यूनिट के नीचे नंबर्स मेंशन कर दूँ, ठीक है, तो ये आपके कितने डिजिट्स जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपका आंसर रॉन्ग है या ट्रू है? द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। 9 डिजिट नंबर में आपके पास 10 मिलियन होते हैं, फॉल्स, क्योंकि 9 डिजिट नंबर आपके पास 10 नहीं होते। 10 मिलियन में आपके पास जो है सिर्फ 8 डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स नहीं होते। सेकेंड है आपका, द वैल्यू ऑफ द ग्रेट डिजिट इज 781। 1 पे सर्कल हुआ हुआ है, 93156 इज 100,000। अब आपको सिर्फ रिंग डिजिट की वैल्यू, प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू 100,000 है? अब यहाँ पे तो कहीं पे भी कॉमा नहीं लगा, लेकिन आपको पता है कि आप इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे कॉमा 3 डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा कहाँ पे शो करेंगे? 3 डिजिट 651 651 मैं यहाँ पे कॉमा शो कर दूंगी, फिर 391 सेकेंड कॉमा आपका यहाँ पे आ गया। अब आपके पास 8 और 7 2 डिजिट है। अब हम इसको रीड कर सकते हैं, रीड करके बताइए कि आपका जो 1 है ये 100,000 पे आ रहा है। देखिए ज़रा, अब 1 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, सर्कल रिंग डिजिट वाली वैल्यू 1 है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? 6 यूनिट का हो गया, 5 टेंस का हो गया, 100 का, भैया 156,000, 10,000, 93,000, 156। अब 1 जो है आपका 100 का है, 193,156, ठीक है। और 78 जो है ये आपका मिलियन का है। तो आपने कैसे रीड किया इसको? 78 मिलियन, 193,156। तो ये आपका 100,000 जो आपको आंसर बताया गया है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। आप ट्रू लिखेंगे ब्लैक पेन से। नंबर 5 ब्लैंक आपकी, एंड द इंटरनेशनल सिस्टम 4598260000 is written as, कैसे हम इसको इंटरनेशनल वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? ये जो आपको वैल्यू दी है, इसे आपने इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप 3 डिजिट्स में कॉमा लगाएंगे। पहले हम इसे राइट डाउन करते हैं। आप बताइए, आपको बुक में ये आंसर दिया हुआ है, इट्स राइट और रॉन्ग? ये आंसर आपका राइट है या रॉन्ग? मैंने यहाँ से 3 डिजिट काउंट किए, तो आपके ये 3 डिजिट्स एक साथ हो गए। फिर यहाँ पे आ गया 4 डिजिट्स दिए हुए, फिर यहाँ कॉमा, और फिर लास्ट में 3 डिजिट्स आपके पास हैं। तो क्या ये इंटरनेशनल वैल्यू हुई आपकी? यहाँ पे जो सेकेंड वाली आपकी वैल्यू हुई, फर्स्ट तो इट्स करेक्ट,
थ्री डिजिट के बाद कॉमा है ये सही, बट यहाँ सेंटर में आके फोर डिजिट्स आ गए। ये फोर डिजिट एक साथ कैसे आ गए? इंटरनेशनल में फोर डिजिट एक साथ नहीं आते, ठीक है। तो ये क्या आपकी इंटरनेशनल वैल्यू हुई? नो। तो इट मीन्स कि आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू फॉल्स नंबर फाइव थी जो कि मैंने कंप्लीट करवा दी है। बहुत अच्छे से सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा स्टूडेंट। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका वर्क ब्लू और ब्लैक पेन से होगा। फर्स्ट टाइम आप लोग वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पेन यूज़ कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है पूरी पूरी ब्लैंक्स आपकी ब्लू से लिखी जाएगी। ये पूरी लाइन्स जो हैं आपकी ये सब ब्लू से लिखी जाएगी। सिर्फ वन वर्ड आंसर जो ट्रू फॉल्स में हम टी और एफ लगा रहे हैं सिर्फ वो ब्लैक से होगा, ठीक है। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा। ओके, थैंक यू।